नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति मनीष जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने का तरीका। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2.5 किलो गाजर ली है, जिसे अच्छे से छील कर और धोकर कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने खाली कढ़ाई ली है, जिसमें 1.5 लीटर दूध शिफ्ट किया है। ये फुल क्रीम दूध है। 1.5 लीटर दूध के साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप मलाई भी ऐड कर दूंगी। ये एकदम ताजी दूध की मलाई है। आप 1-2 दिन पुरानी मलाई भी ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्रेश ही होती है। तो आपके पास अगर 1-2 दिन की मलाई इकट्ठी हुई हुई है तो आप उसे भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध और मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बॉईल हो जाएंगे, तब जो हमारी कद्दूकस की हुई गाजर है, जिसे हमने पहले से ही कद्दूकस करके तैयार कर लिया था, उसे धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। अगर हम एक साथ इसमें डाल देंगे तो चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो कढ़ाई में नहीं आने का इश्यू हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो वो जैसे जैसे गाजर बॉइल होती जाती है वैसे वैसे उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती जाती है, तो वो हमारे बर्तन में आराम से आ जाती है। इस तरह से इसे मिक्स करना थोड़ा सा सिंपल रहता है। आप चाहें तो, अगर आप गर्म गाजर काम में ले रहे हैं और बर्तन बड़ा है, तो आप चाहें तो सारी गाजर भी इकट्ठे इस दूध में मिक्स कर सकते हैं। और गाजर किसते वक्त एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप गाजर खरीदें और गाजर कद्दूकस करें, मार्केट में बहुत ज़्यादा मोटी गाजर ना लें। एक मीडियम साइज़ की गाजर जो होती है आप उसे ही खरीदें। जैसा कि आप गाजरों में देख सकते हैं, जो पीली वाली लकड़ी वाला भाग होता है वो बहुत कम है, और जो रसों वाली गाजर होती है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की गाजर आप काम में लेंगे तो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। और जो लकड़ी वाला भाग ज़्यादा होता है, ज़्यादा मोटी गाजर में, अगर आप लकड़ी को किसेंगे तो उसमें इतना अच्छा स्वाद नहीं आता जितना कि लाल लाल गाजर में आता है। तो जब आप गाजर खरीदने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी गाजर और दूध मिक्स करके हमने इसे रड़ाने के लिए छोड़ दिया है, और लगभग 1 घंटे बाद जो दूध और गाजर की कंसिस्टेंसी है वो इस लेवल की है। चूँकि हलवे को तैयार होने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, तो ज़रूरी नहीं है आप लगातार इसे हिलाते रहें, आप इसे बीच बीच में संभाल सकते हैं। ये 1.5 घंटे बाद आप देखिएगा दूध और गाजर की कंसिस्टेंसी ये है हमारे। जैसे जैसे दूध और गाजर रड़ती जा रही है, वैसे वैसे गाजर एकदम सॉफ्ट होती जा रही है, और दूध का टेक्सचर जो है वो मावे जैसे टेक्सचर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये देखिए, लगभग 2 घंटे बाद में ऑलमोस्ट सारा दूध खप चुका है, केवल थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्का हल्का दूध बचा है। तो बस अब इसी लेवल पे हम शक्कर भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 2.5 किलो गाजर में 250 ग्राम शक्कर ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 किलो गाजर में 100 ग्राम शक्कर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप घर में चाय पीने वाले कप के अकॉर्डिंग डालना चाहें तो चाय पीने वाले मीडियम साइज़ कप के अकॉर्डिंग 1 कप आप शक्कर ऐड कर सकते हैं 1 किलो गाजर में। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी शक्कर है उसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब शक्कर घुलने लगी है और चाशनी जैसी बन रही है। अभी यहाँ पे आपको हलवे को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपको लगातार गैस के फ्लेम को कम या धीमा करते हुए इसे सेकते रहना है और शक्कर का सारा पानी खपा देना है। ये देखिए, ऑलमोस्ट शक्कर का सारा पानी खप गया है, थोड़ा सा पानी इसमें रहा है। उसी बीच में हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक बादाम हुआ, पिस्ता हुआ, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे है, और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे है। मैंने यहाँ पे लगभग आधा कटोरी काजू और किशमिश मिक्स करके लिए हैं। अभी इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो सारी चाशनी खप जाएगी और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा।
ये इस नए साल 2020 का मेरा पहला वीडियो है जो मैं मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को ये नया वर्ष मुबारक हो, और इस हलवे की मिठास की तरह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मिठास आए, और आपका ढेर सारा प्यार इस नए साल में मुझे मिलता रहे, और आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत उन्नति करती रहूँ। यहाँ पे हमने ऐड कर दी है इलायची पाउडर, लगभग 1 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। जब आप मिक्सी में इलायची पाउडर बना रहे हो तो आप इलायची पाउडर बनाते वक्त थोड़े से शक्कर के दाने भी ऐड कर दीजिए, उससे इलायची को मिक्सी में ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है। ये हमारा सबसे लास्ट का प्रोसेस जिसमें हमने ऐड किया है घी। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप घी इस्तेमाल किया है। हलवे का जो मेन टेस्ट है वो इस दूध से ही आ जाता है, इसमें घी की इतनी उपयोगिता रहती नहीं है, फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार इसमें घी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप काम में लिया है, आप चाहें तो क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अभी घी डाल के हम इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि हलवे में जो छोटा थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया है वो भी पूरा ख़त्म हो जाए और हमारा हलवा तैयार हो जाए। आप हलवे को बना के फ्रिज में आराम से 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ताकि सर्दियों के मौसम में जब भी इच्छा हो आप हलवे को गर्म करके आनंद लें, और अचानक भी कोई मेहमान आ जाए तो उसे भी आप गर्म करके तुरंत परोस सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी आपको हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और इसे देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए इसे अच्छे से सेक रहे हैं हम, तो जो भी इसका मॉइस्चर है वो सब खत्म हो रहा है, और लास्ट में इसको 5 से 7 मिनट आप अच्छे से सिकाई ज़रूर कर लीजिएगा घी में। यहाँ पे हमारा हलवा बनके एकदम तैयार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी कतरा इसका कढ़ाई में नहीं लगा है। ये देखिए हलवे का कलर और टेक्सचर भी कितना प्यारा आया है। लीजिए तैयार है हमारा गाजर का हलवा। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।